ये एक ऐसा चैलेंज है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना के आपकी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी को किसी अलग ही लेवल पर लेके जाने की पोटेंशियल रखता है, बट ज्यादातर लोग ये चैलेंज करने में फेल हो जाते हैं, एज यू कैन सी। ये एक ऐसा चैलेंज है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने में पुश करेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं बात कर रही हूँ 75 हार्ड डे चैलेंज। ये चैलेंज के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा या किसी ना किसी से जरूर सुना होगा। आप ही की तरह मैंने भी सुना है और देखा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैलेंज, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट गिव अवे एंड नेक्स्ट स्टडी चैलेंज है वो यही है। सो इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं, बट इसके पहले मैं बता दूं कि आज मैं बिना अलार्म के उठी हूँ। बिना अलार्म के इसलिए बिकॉज मेरा फोन चार्ज ही नहीं था और स्विच ऑफ था, अलार्म बचा ही नहीं। एंड देन उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, मैं सबसे पहले रिवाइज कर रही हूँ ग्रेविटेशन, बिकॉज ग्रेविटेशन काफ़ी टाइम से मैंने नहीं पढ़ा है। एंड फिजिक्स में ग्रेविटेशन जो होता है वो बेसिक होता है, तो वो पहले होना चाहिए। बट यू ऑल नो आई एम अ ड्रॉपर, सो ठीक है, मेरा नोट्स पहले से बना हुआ है। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। सो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो करने की जरूरत है वो है रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ। आई होप ये चैप्टर आज हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आज हो जाए, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा टाइम इसी चैप्टर को दूंगी तभी आज कंप्लीट हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट मेरे पास है, सब सब्जेक्ट को टाइम देना है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूंगी ताकि मेरा दिमाग भी फ्रेश रहे, मेरा दिमाग भी खराब ना हो। एंड यू ऑल नो कि फिजिक्स पढ़ने से मेरा दिमाग खराब होता है, जोक्स अपार्ट, बट आप रिलेट कर पाओगे कि एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ने से एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है आपका दिमाग भी, आप भी। सो इस चैप्टर का हाफ एटलीस्ट मैं खत्म करने का ट्राई करूंगी, बाकी जो भी टाइम है वो मैं अलग अलग सब्जेक्ट को भी दूंगी। भी होता है मेरी लाइफ में या फिर जो हो रहा है मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ और आगे भी शेयर करती रहूंगी, बट इसी बीच में आपसे कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसे हमेशा ग्रैब करना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें पछतावा होता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी एग्जाम के फॉर्म में हो, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हो और स्कॉलरशिप के फॉर्म में हो। एंड आई बिलीव दैट सक्सेस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लक बट अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल। और आपके इसी गोल को पूरा करने के लिए स्कोर एग्जाम बाय श्री चैतन्य लेकर आए हैं। इसको 2023 ये इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम है विद स्कॉलरशिप वर्थ 1,000 crores। श्री चैतन्याज ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स इन IIT, JEE एंड NEET। ये स्कॉलरशिप एग्जाम थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स के लिए है। इस एग्जाम में आपको मिलेंगे अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स एंड रिवॉर्ड्स। इस एग्जाम का मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रहेगा। ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपके पास 100% स्कॉलरशिप सिक्योर करने का चांस है इन मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग, JEE एंड फाउंडेशन कोर्सेज। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में, लाइक ये एग्ज़ाम कब है, इसमें मोड कौन सा है, ऑनलाइन ऑफलाइन और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये एग्ज़ाम कैसे देना है, इसके लिए आप विजिट द स्कोर 2023 वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो एंड चेक इट आउट। एंड ये एग्जाम मैं तो देने वाली हूँ, आप देने वाले हो कि नहीं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट। मैं रिवाइज करने जा रही हूँ बायोलॉजी। एंड कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके, कुछ लोग नहीं एक्चुअली, एक के दुक्के लोग आके बोलते हैं कि तुम्हारे वीडियो में जो लाइटिंग होती है वो हमें पता नहीं चलता, दिन है कि रात है, तुम बोलती हो 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं तो 4 बजे तो हमें दिखता नहीं, हमें तो अंधेरा ही दिखता है, और फिर जब डे टाइम होता है तब भी अंधेरा ही दिखता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या है रीज़न। ये है रिंग लाइट। रिंग लाइट से जो है, ऐसे रिंग लाइट मैं ऑफ रखूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो रूम है उसमें सनलाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, सनलाइट नहीं आता है, थोड़ा बहुत आ जाए विंडो विंडो से, विंडो तो है नहीं बट वो वॉशरूम वाला विंडो है तो उससे आ जाए थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं। और वैसे कोई भी सोर्स नहीं है सनलाइट आने का, तो मैं रिंग लाइट यूज़ करती हूँ। रिंग लाइट की वजह से जो वीडियो होती है वो आपको ऐसे ही दिखाई देगी कि जैसे थोड़ा अंधेरा टाइप का रहता है और ज़्यादा लाइट दिखाई देती है, सो वो होता है रीज़न। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रॉपर यूज़ करो, फिर आपको समझ में आएगा, बिकॉज ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्या पता ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वो भी चीज़ें ना समझ में आए। भाई साहब, मतलब वीडियो में दिन रात आप देखने आते हो कि
मतलब पढ़ाई वाली वीडियो देखने आते हो। लिटरली ये कमेंट मैंने देखा था तो मेरे को बहुत तेज हंसी आई थी। और मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं ऐसे कमेंट पे मैं रिप्लाई करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। फिर लगता है कि चलो बता ही देते हैं, क्या पता उनको वो नॉलेज ना हो, वो चीज़ें ना पता हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन वही करते हैं ना जिनको नहीं पता होता है, जिनको आइडिया नहीं होता है। बट नो इशू, अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी अगर मैं देखूँगी तो। और जिन लोगों के कमेंट मैं नहीं देख पाती हूँ उसके लिए अब मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऐसा रेयर ही होता है। बाकी मैं आप लोगों के कमेंट चेक करती हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे लाइफ में कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। खैर ये सब तो लाइफ में होता रहता है, बट हमारा मेन काम जो है वो अपने काम पर फोकस करना, पढ़ाई करना, मोटिवेटेड रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। सो बस यह है, इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट गिव अवे। हमारा नेक्स्ट स्टडी चैलेंज वो है 75 हार्ड डे चैलेंज। आई होप कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आई विल पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज। सो बेसिकली ये चैलेंज हमारा नॉर्मल चैलेंज नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए है ये चैलेंज। सो इस चैलेंज का और इस गिव अवे का फर्स्ट रूल ये है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी पोस्ट आते हैं उसको लाइक करना है और शेयर करना है एंड कमेंट करना है, बताना है कि आप ये चैलेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो आपका फर्स्ट डे कैसा गया, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने की और क्या क्या स्किप किया। एंड सेकेंड ये है कि अपने आप को मोटिवेट करना है, जितना कम हो सके उतना कम हमें मोबाइल यूज़ करना है, मतलब रिड्यूस मोबाइल टाइम, ये चीज़ें करना है, स्क्रीन टाइम बेसिकली जो है वो रिड्यूस करना है जितना कम हो सके उतना ज़्यादा, जो कि हम सबके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड थर्ड ये है कि आपको इंक्रीज स्टडी टाइम बाई 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, लाइक कि आप अगर पोमोडोरो मेथड से पढ़ाई करें, जैसे कि मैं पोमोडोरो मेथड से पढ़ाई करती हूँ 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या फिर 55 मिनट्स, उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ एंड देन फिर स्टार्ट करती हूँ। तो बिकॉज पोमोडोरो मेथड से मुझे लगता है कि उसमें प्रोडक्टिविटी आती है और थोड़ा सा हम बोर नहीं होते हैं। तो अगर आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 2 घंटे का सेशन कर रहे हैं, 3 घंटे का कर रहे हैं, तो हर एक सेशन में आपको 5 से 10 मिनट्स इंक्रीज करना है। ऐसे डे बाई डे आप इंक्रीज करेंगे तो सोचो 75 डे अगर आप पूरा चैलेंज करते हो, जो कि डिफिकल्ट है, या आई कैन से क्योंकि इतने सारे लोगों ने बोला है, बट हम इसको जी जान लगा के मेहनत करेंगे ताकि ये चीज़ हम कर पाएं। एंड फोर्थ ये है कि हमें मेडिटेट करना है ताकि हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहें, बिकॉज हमारा जो जर्नी है ना इसमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एंड फिफ्थ ये है कि जो भी आपने डे का टू डू लिस्ट बनाया था उसको प्रॉपर रिवाइज करना है रात में, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम है उसको निकाल के आपको प्रॉपर चीज़ें रिवाइज करनी है, ताकि बाद में ये ना लगे आपको कि हाँ मैंने पढ़ तो सब लिया लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है, बिकॉज रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बैकग्राउंड वाइज को थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ पे रोड है भाई, आवाज़ आती जाती रहती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो ये है हमारा 75 डे का चैलेंज। सो आप लोग सोच रहे होंगे चलो ये तो हो गया चैलेंज के बारे में, हमें जो करना है उसके बारे में, बट हमें गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो आगे मैंने बताया कैसे पार्टिसिपेट करना है। एंड डेली कम्युनिटी पोस्ट आएगी, उसमें आपको बताना है कि आपने क्या क्या चीजें करना है और आपने क्या क्या किया। डेली कम्युनिटी पोस्ट आपको 6 AM पे मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कमेंट करना है एंड बताना है। एंड याद रखना कि ये चैलेंज अगर आपने एक दिन भी स्किप किया या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है एक दिन भी स्किप किया, तो आप फिर नेक्स्ट डे से काउंट करोगे, उस दिन से आपका काउंट होगा 75 डे हार्ड चैलेंज। सो बेसिकली ये अपने लिए करो कि आप ये चीज़ें कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आपकी सोचो लाइफ में कितनी ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा जो भी है प्रोडक्टिविटी होगी हो जाए, बट उससे कम नहीं होना चाहिए, 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है पहले वाले दिन का, दूसरे दिन बताना है कि कितने घंटे पढ़ाई की थी आपने। सो इस बार जो गिव अवे में विनर होंगे वो 2 होंगे, बिकॉज हमारे चैनल पे हर एक मंथ में गिव अवे होता था, स्टडी चैलेंज होता था, जिसमें एक ही विनर चूज किए जाते थे, लेकिन ये जो चैलेंज है वो 75 डेज का है। सो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि इस वाले गिव अवे में 2 विनर्स चूज किए जाएंगे। एंड आई होप आप लोग इस चैलेंज को अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, अपना 100% देंगे इसको पूरा करने में। और एक चीज जो आपको याद रखनी है, बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं विनर बनूं, मैं क्यों नहीं बना, मैं विनर होता मैं क्यों नहीं बना, मुझे क्यों नहीं बनाया गया। सो देखो सब बराबरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट मैं यही कहूंगी लेकिन आगे से जो भी विनर चूज किए जाएंगे वो प्रॉपर अच्छे से देख के चूज किए जाएंगे, और जिसको लगेगा कि मैं
क्यों नहीं विनर बन पाया या फिर मैं क्यों नहीं बन पाई, तो उसके लिए आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके वो प्रूफ ले सकते हो कि आप विनर क्यों नहीं हो या फिर आप विनर क्यों हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो गिव अवे का जो प्राइज मैं रखूँगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको एज अ रिवॉर्ड होगा, ठीक है। आप एज अ रिवॉर्ड ले सकते हो, ये मैं सोच रहा कि मुझे सिर्फ गिफ्ट के लिए ही पार्टिसिपेट करना है। सो बेसिकली आप इस गिव अवे में इसलिए पार्टिसिपेट करो ताकि आप देख सको कि आप ये चैलेंज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आप अपने आप को चेक करने के लिए पार्टिसिपेट करो, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पार्टिसिपेट करो, ताकि अगर आपको प्राइज ना भी मिले तो आप उस चीज से डिसअपॉइंट ना हो। सो या आज के लिए बस इतना ही, और मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो बिकॉज मुझे वैसे भी लंबे वीडियोस अपलोड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट अगर ये वीडियो आपको पसंद आई सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जल्दी आएगा। सो या ऑल द बेस्ट।